जा रहे हैं कहीं दूर घूमने, लेके भाई साहब इन्होंने ना भाई पहले कपड़े लेके रख लिए थे, तो यहाँ पर भाई अपना फटाफट से ऑर्डर दे देते हैं। भाई देख रहा है कि क्या क्या मंगाना, हमने तो बोला जो मर्जी मंगा लो। बाकी एक बात बताता हूँ आपको ना भाई, हम ना मिनी कूपर वाले से ना रेस जीत गए थे। फटाफट से जो हमने खाना मंगाया था ना, तो वो सारा खाना आ चुका है। और रांझे दी सी हीर जानी कोई ही। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कार में। और एक इनके भाई इतने फोन बजते हैं ना, व्लॉग बनाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और आज करने वाले हैं फ्रेंड्स विद पार्टी। तो भाई हमारे देखो सारे भाई आधे दोस्त जा रहे हैं, सारे के कह रहा हूँ यहाँ पे हमने कार निकाल ली। और अभी हम रोड पे आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। और ये नहीं पता भाई जाना कहाँ पर है। वैसे तो हमारी प्लानिंग बननी थी आज खाना खाने जा रहे हैं तुर्किश ना, अच्छा टर्की। तो भाई थोड़ा ना नाम में ना मिस्टर नहीं आती है, तो माफ करना। ओए होए मिनी कूपर भाई देखो कितनी प्यारी लगी है और कितनी खतरनाक है। नहीं भाई गलत बात होती है रेस लगाने, बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल। अरे कोई बात नहीं, अरे नहीं आ रहा देखो फाइनली हमने मिनी कूपर को पकड़ लिया है। यहाँ पे गलत बात होती है रेस लगानी। चलो भाई बाय बाय, अब हमारी आगे निकल चुकी है। लेकिन भाई कार देखो कितनी ही प्यारी लग रही है। एक तो भाई हमारी गाड़ी में इतनी धूल मिट्टी हो रही है, बंदा नाम लिख गए। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से चलते हैं अपना खाना खाने के लिए। पेट्रोल पंप पे रुक चुके हैं फ्यूल अप कराने के लिए। लो भाई जल्दी से इसमें लगा दो, ये डलने लग गया हमारी गाड़ी में तेल। और भाई यहाँ पे ना नॉर्मल तेल नहीं है, यहाँ पे हमें पावर वाला। हमने की चलो भाई हमारी स्विफ्ट को इस बार पावर वाला बना दो। सही बात है ना, सही बात है। बाकी एक बात बताता हूँ आपको ना भाई, हम ना मिनी कूपर वाले से ना रेस जीत गए थे। चीटिंग कर दी भाई, बिल्कुल गाना ने देखो चेंज हो चुका। और मैंने ना आपको एक चीज दिखाना भूल गया था। चलो भाई 1 2 3। तो भाई कमेंट करके बता देना मेरा ये कैसा लग रहा है। भाई मेरा फोन ने देखो एक तो व्हाइट कलर का वैसे था और गोल्डन काम मैंने इस पे करवा लिया। ओए होए कितना प्यारा लग रहा है। आर एस क्या ही है? आर एस का मतलब है भाई रसना। रसना बहुत प्यारा काम, सही बात है। गर्मी आ रही है ना, तो मैंने इसलिए रसना सूंगो। ओ बाकी देखो ये कितना हैंडसम है। हम अपनी लोकेशन पे। ओए होए आज ना भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा है घूमने के लिए। और हमारी गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है। और देखो भाई का हिसाब से भाई तुक्के से ना यहाँ पे लगाइए, देख लो बस इतनी मेरा हाथ भी नहीं जा पा रहा, बस इतना सा गैप रह गया। हल्की सी और पीछे आती ना तो भाई गाड़ी लग जाती, लेकिन अब बढ़िया लग चुकी है। चलो भाई लोग चेक कर लेते हैं। भाई लोग बिल्कुल सही लग गया, अपनी ले लें यहाँ पे खड़ी भी है। तो चलो भाई अभी देखते हैं भाई फटाफट से हमें क्या खाना पीना है, शो ऑफ करने है। ओए दिखाना पहले कवर कौन सा है, दिखा तो दो, जब तो शो ऑफ होगा इधर करके दिखाओ। मेरे फोन के कवर से शो ऑफ कर रहा बताओ। क्या दिन आ गए रे तेरे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। फाइनली ना आके अंदर बैठ चुके हैं। और यहाँ पे देखो भाई का फोन भी, तो देखो ये भी कितना प्यारा लग रहा है। भाई दोनों का ना साथ बने थे बस, लेकिन ना गोल्डन वाली पिन नहीं खत्म हो गई थी, तो इसलिए ना मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, 2 दिन मेरा पूरा बन गया। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं भाई हमें क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना। और अम्मी ने भी अपना बता दिया, अम्मी ने कुछ ये बताया और जो क्या बना शीरिया। चलो भाई देखते हैं फटाफट से अभी क्या मंगाना। वैसे तो बहुत सारा आइटम है यहाँ पे भाई, यहाँ की ना रोटी बहुत हार्ड होती है, खाई नहीं जाती। यहाँ पे भाई अपना फटाफट से ऑर्डर दे देते हैं। भाई देख रहा है क्या क्या मंगाना, हमने तो बोला जो मर्जी मंगा लो, हमें तो भाई खाने से मतलब है, क्योंकि हमें लग रही है भूख। और आपको पता ही है कि भूख में बंदा खाना कितना ज्यादा खाता है। जो हमने खाना मंगाया था ना, तो वो सारा खाना आ चुका है। मुझे लग रहा है ना देखो भाई ने ना सारी सीख मंगा ली, एक सीख आ गई, एक सीख आ गई और एक सीख आ गई। बस जो खाने में मंगाया ना वो ये है, और ये सैलेड आ चुका है। और ये रोटी देखो मैं कह रहा था ना बहुत कड़क होती है। चलो भाई फटाफट से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं अपने खाने पे। भाई ये मत मंगाओ, ये भाई बिल्कुल ऐसी होती है ईंट की तरह। देखो ये टूटती नहीं है, ये पता नहीं भाई लोग कैसे चबाते हैं इसे। चलो भाई फटाफट से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाह के शुक्र से भाई हमने ना खाना तो अल्लाह शुक्र से ना अपना खाना खा लिया और हमारा पेट हो चुका यहाँ तक टन। और भाई ने ना भाई सारे आइटम जो भी मंगाए थे ना सारे सीखो वाले मंगाए थे। इस वक्त भाई पेट हो चुका बिल्कुल टन, हमने अंदर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी। अब बाहर ना कहीं दुकान पे रोकेंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक लेंगे और देखते हैं फिर कहाँ घूमना है। पता नहीं भाई कितने गंदे ट्रैफिक में फंस चुके हैं। देखना भाई इधर भी गाड़ी लगी हुई है और इस साइड भी गाड़ी लगी हुई है। अब पता नहीं भाई हमें जाना है लेफ्ट, लेकिन ये भाई इधर से भाई पूरा जाम लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं भाई अभी देखते हैं कैसे निकलना। अरे यहाँ पे टेम्पो खड़ा हुआ, हमारी गाड़ी कैसे मुड़ेगी, हम क्यों आए इधर। भाई यहाँ पे हम इंडिया गेट पे भी आ चुके हैं, लेकिन हमें ना इतना ट्रैफिक मिल गया हमारे 10 बज चुके हैं।
अब अंदर जाने का ना भाई कोई फायदा नहीं बचा क्योंकि इंडिया गेट ना भाई क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे देखो अब भी ट्रैफिक ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, पूरे में ट्रैफिक हो रहा है। मुझे लग रहा भाई देखो सुबह तो इलेक्शन थे, पब्लिक कहीं नहीं गई, अब रात को ना सारी पब्लिक निकल ली है। इंडिया गेट कितने बजे बंद होता है? इंडिया गेट कितने बजे बंद होता है? भारत ओपन है। फाइनली ना आज इंडिया गेट का ना पता नहीं क्या करिश्मा हो गया, सारे ना 11 बजे का टाइम हो चुका। देखो भाई यहाँ पे गाड़ी चला रहा क्योंकि हमें ढूंढनी है पार्किंग, और सब बंदों ने भाई हमने देखो सीधा गाड़ी घुसाड़ी और बंदों ने यहाँ घुसेड़ दी, लेकिन हमें अभी तक जगह नहीं मिली। और तू क्या कर रहा है? चलो भाई फाइनली हमें कार लगाने की पार्किंग मिल चुकी है और यहाँ पे देखो कितनी ही लंबी लाइन लग गई है। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं। चलो अरे अरे बज गया टेंगे हो रहा था। भाई अगर आपको ना देखो ध्यान से देखो अगर दिख रही होंगी ना तो यहाँ पे ना मछलियों और ब्लू लाइट देखो कितनी ही प्यारी लग रही है। हाँ जी भाई ये मछली नहीं है। अब इंडिया गेट पे हो चुका है हादसा इसके साथ, ये ना भाई पानी समझ कर ना ये नाली के अंदर बिल्कुल घुस चुका था, इसके वाइट जूते हो चुके हैं ब्लैक। तो आप कुछ कहना चाहोगे? नजर नहीं लगेगी ना, काला टीका लग चुका है। मेरे तो साफ हो गए, तो इन्हें तो भाई देखो जान मुझके घुसेड़ दी इसके काले थे, हमारे पैर बिल्कुल सब हो गए सही बच गए। तो भाई फाइनली ना इंडिया गेट पे आ चुके हैं और इंडिया गेट पर ना आपको 11:30 बजे का क्राउड दिखा देते हैं और हवा इतनी प्यारी चल रही है और ना भाई थोड़ी देर में ना बिजली भी कड़क रही है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा पब्लिक है पूरा। एक बार ना भाई मैं आपको गोल चक्कर घुमा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे भाई सूम शाम हो जाती थी 10 बजे, लेकिन 11:30 बजे भी रौनक हो रही है। अभी जा रहे हैं हम बिल्कुल आगे इंडिया गेट के। ना बड़ी तेज प्यास लग चुकी है, हमने यहाँ पे पानी की बोतल ले ली है। भाई की और सन्नी की ना भाई भैंस हो चुकी है, दोनों के मुंह में देखो पानी है और ये ना एक दूसरे के मुंह पे मारने वाले। ले 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 तू भी कर स्टार्ट, ले इन्हें मार दिया, ले 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 मारो कोई तो मारो मुंह पे। ले बज गया। चलो भाई इनका तो ऐसी खत्म होता रहेगा, हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हमने चोर को पकड़ लिया रंगो हाथों, तो ये चोरी करके भाग रहा था पानी की बोतल की, तो भाई ने से यही पे दबोच लिया है। हाँ भाई कितनी चोरी करी तूने? भाई 2 बोतलें चोरी करी। देखो भाई ये देखो अभी ना हम अपनी कार लेने आ रहे थे और ये पार्किंग में क्या हाल हुआ भाई, जहाँ तक चलते आओगे ना वहाँ तक ना आपको कारों का ट्रैफिक ही मिलता जाएगा। अब भाई देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में और घर पहुँचने में। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली हम घूम घाम के ना घर पे आ चुके हैं। अब हो चुका है नेक्स्ट डे। रात को ना भाई हम लेट आए थे तो ना मैं आके सो गया था, बहुत थका हुआ था। और मैं ना आपको एक और चीज बताता हूँ, हम ना जा रहे हैं कहीं दूर घूमने, लेकिन मैं अभी इस ब्लॉग में ये नहीं बता रहा हम जाएंगे कहाँ भाई, फिर तो हमारा सरप्राइज ना बेकार हो जाएगा। लेकिन इस ब्लॉग में ना मैं आपको एक चीज दिखा दूंगा, जो हम शॉपिंग करेंगे, अपने कपड़े लाएंगे, सब चीज लाएंगे ना, जो जो वहाँ पे पहनेंगे, अभी हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और भाई अभी मुझे फोन करा के दुकान वालों पे आ जाओ, मैं वहीं पर खड़ा हुआ, उनने मेरे लिए भाई कपड़े पसंद कर लिए, मैं घर पर आ जाऊँ किसी काम से। तो फटाफट से चलते हैं कपड़े देखने और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ट्रिप पता चल जाएगी हमारी कहाँ जा रही है। और ट्रिप बता देता हूँ दोस्तों के साथ चल रही। तो फटाफट से अपनी कल्लो निकालते हैं। आय हाय भाई साहब इन आ रहे, भाई साहब इन्होंने ना भाई पहले कपड़े लेके रख लिए थे, तो यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट आया और इन्होंने ना मेरे पसंद करके रख रखे थे। मैंने खोल के देखे कि अच्छे लग रहे हैं, तो भाई मुझे भी अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि ले ही लेते हैं यार, अब क्या टाइम वेस्ट करते हैं। भाई हमारी ना शॉपिंग हो चुकी है और देखो यार हाथ में भी थे और ये रहे इसके सारे हाथ में ना भाई थेले हो रहे हैं। हमने कुछ ज्यादा शॉपिंग करनी है, तूने कर ली? और इनने भाई बताओ कैसे कपड़े लिए? देखो पीली पैंट ली है और हरी शर्ट ली है और लाल जूते, नीली पैंट है और काली शर्ट है, यही वाले। चलो भाई फटाफट से घर पे चलते हैं, अब देखना हमें कौन सा काम फिनिश करना अपना। मैं कपड़े खरीद के ना जाफराबाद आ चुका हूँ, मुझे भाई अपने लिए ना शूज भी लेने थे। अब देखो भाई इतनी दूर जा रहे हैं ना, पूरा बन ठन के जाते हैं, तो मैंने ना भाई अच्छा ये तेरा वाला है क्या? तो भाई देखो मैंने ना एक व्हाइट कलर का स्नीकर पसंद करा, कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, बस अपना कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और मेरा भी आला, तो भाई वाले शूज मैंने डन कर लिए, अब शूज लेके ना फटाफट से घर पे चलते हैं। फटाफट से कमेंट बोल देना और हमारी ट्रिप के लिए ना सारे कपड़े हमारे पैक हो चुके हैं। देखो ना बैग यहाँ पे रखे और कपड़े देखो कितना फैलावा हो रहा है, हम बहुत सारे कपड़े लेके जा रहे हैं, मतलब कि हमें बहुत दिन रुकना पड़ेगा। और चलो पहला कमेंट है नाजमा खान, आप तीनों बहन भाई के व्लॉग मस्त होते हैं, शुक्रिया। दूसरा कमेंट है रियान भाई, आपके बकरा मंडी का व्लॉग बनाओ भाई, भाई पहले ट्रिप पे से घूमे आना, फिर इंशाल्लाह से बकरा मंडी के ही व्लॉग बनाएंगे। और तीसरा कमेंट है सूफियान किंग, सलाम वालेकुम अस्सलाम, रियान भाई आप इसी तरह तक ही करते रहो, शुक्रिया भाई। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मिल जाएगा टिल देन, बाय बाय। फाइनली ना हमें केबल मिल चुका, हमारा जो सामान था उनसे ना यहाँ पे रख दिया और ना हमारी बहुत अच्छा भाई कार में ना चार्जर की वाली लीड थी।